Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Shreya here. In this video, we will discuss about energy of scattered photon. आपको पता होगा हमने जब Compton scattering की थी, so there was an incident photon and an electron at rest. तो यहाँ incident photon जब भी किसी electron पर hit किया, तो वो क्या हो गया? Scattered. Scattered कौन हुआ था? ये जो इंसिडेंट फोटोन यहाँ पर था फोटोन मेरे पास और यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन ये था मतलब इसको हिट किया था और ये था इसका टारगेट ये हिट होना था और ये था इसका टारगेट जो रेस्ट पर था तो ये तो हो गया स्कैटर कौन फोटोन और ये जो इलेक्ट्रॉन था वो हो गया रिकॉइल ओके अब थ्रू आउट दिस प्रोसेस वेवलेंथ भी चेंज हुई हमने जैसे पढ़ा था लैम्डा लैम्डा डैश एंड ऑल डेल्टा लैम्डा तो कॉम्पटनशिप ये सब पढ़ा था तो वही सब इसमें भी यूज होगा डेरिवेशन करने से पहले मैं कुछ अजम्पशंस लूंगी अब देखिए ये जो फोटोन था ना ये फिलहाल ही इंसिडेंट फोटोन है जब यहाँ पर पढ़ा था लेकिन आफ्टर द कोलिजन इट बिकम्स अ स्कैटर्ड फोटोन तो दो फोटोन आ गए मेरे पास एक आ गया इंसिडेंट फोटोन है वो सेम बस केसेस अलग है एंड दूसरा है स्कैटर्ड फोटोन अब इन दोनों की जो वेवलेंथ्स है ऑफ कोर्स वो भी अलग होगी क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कोलिजन हुई हो और उसकी वेवलेंथ सेम हो ओके इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर हम किसी से टकराए हो तो हम पहले जैसे नॉर्मल हो हमें कहीं ना कहीं चोट लगेगी दैट मीन्स हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं चेंज आएगा ओके गुस्सा आ सकता है हमें सो मतलब एक एग्जाम्पल है कि इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन और फोटोन जो वो भी कोलिजन के बाद सेम तो रहेंगे नहीं ना ठीक है तो इसी तरह से जब इंसिडेंट फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ है वो हम लैम्डा कंसीडर कर लेते हैं स्कैटर्ड फोटोन है तो चेंज होगी तो दिस विल बिकम एज लैम्डा डैश ठीक है तो अब ये मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि कॉम्पटन शिफ्ट की बात करनी है कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है चेंज इन द वेवलेंथ ओके अब आप सभी को पता है कॉम्पटन शिफ्ट की बात करते हैं सर कॉम्पटन शिफ्ट क्या था डेल्टा लैम्डा ओके डेल्टा लैम्डा की वैल्यू क्या थी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ठीक है अब मैंने बताया था कॉम्पटन शिफ्ट की वो वाली वैल्यू जो हमने कंसीडर की थी डेल्टा लैम्डा इज एच अपॉन एम नॉट सी इनटू 1 माइनस कॉस थीटा है ना अब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनको इक्वेट कर सकते हैं तो जब मैंने इनको इक्वेट किया तो मेरे पास आएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा ठीक है आई एम लेफ्ट विद दिस अब मुझे पता है कि सी की वैल्यू क्या होती है न्यू इनटू लैम्डा यही वैल्यू होती है तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी लैम्डा आ जाएगा मेरे पास सी अपॉन न्यू ओके तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगी लैम्डा लैम्डा है सी अपॉन न्यू तो लैम्डा डैश क्या होगा सी अपॉन न्यू डैश ओके सो दिस विल बिकम h अपॉन m नॉट c 1 माइनस cos थीटा ये इक्वेशन मैंने कुछ नहीं किया मैंने बस लैम्डा डैश को c अपॉन न्यू डैश और इसको लैम्डा को c अपॉन न्यू लिख दिया तो मैं यहां से ना c कॉमन ले लेती हूं तो c कॉमन लिया तो अंदर बच गया 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इज इक्वल्स टू h अपॉन m नॉट c 1 माइनस cos थीटा ओके अब अंदर एलसीएम ले लेते हैं तो दिस विल बिकम म्यू डैश न्यू यहाँ पर भी न्यू डैश है तो दिस विल बिकम म्यू माइनस म्यू डैश इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा अब ये जो सी है इधर मल्टीप्लाई तो मैं उधर डिवाइड कर देती हूँ तो न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश न्यू विल बिकम एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा उसके बाद ये न्यू डैश बाय न्यू यहाँ डिवाइड है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो न्यू माइनस न्यू डैश क्या आ जाएगा एच इनटू न्यू डैश अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा जैसे समझ आया अभी तो बहुत इजी है यहाँ तक स्टेप्स कुछ नहीं किया बस सब्स्टिट्यूशन किया एलसीएम लिया और बस वैल्यूज को इधर उधर इक्वेट किया तो अब मैं क्या करूंगी ना दोनों तरफ एच मल्टीप्लाई करा देती हूँ ये बन गया एच न्यू माइनस अब मैं ये क्यों कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ ये एच न्यू डैश अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा देखिए हमें ना एनर्जी निकालनी है एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू अब मेरे पास न्यू न्यू डैश तो सब है लेकिन इस साइड एच तो नहीं था ना
मैंने क्या किया H दोनों तरफ डिवाइड कर दिया. अब इसको मैं ओपन कर देती हूँ, ये बन जाएगा H nu minus H nu dash is equals to H nu into H nu dash upon M naught C square 1 minus cos theta. अब ये हमें पता है H nu E is equals to H nu और E dash को हम H nu dash ये हम ना सब्सटीट्यूट कर दिए क्योंकि एनर्जी की वैल्यू होती है ना H nu H nu या H nu dash जो भी है, अगर H nu है तो E लेके चलेंगे, H nu dash है तो E dash लेके चलेंगे. अब मैं इसे सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना है ये जो E equals to H nu है ना, ये किसकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन. कौन सा फोटोन? इंसिडेंट फोटोन. ठीक है, ये ध्यान रखना. और ये जो H nu dash है ये है एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन. ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ना ये सभी इसमें यूज होने हैं. अब मैं वैल्यू पुट करती हूँ, H nu की जगह क्या फील करना है मुझे, E. तो E माइनस E nu dash E dash आ जाएगा इज इक्वल्स. अब इधर जब इधर H मल्टीप्लाई होता है तो इधर भी हुआ था ना, तो एक H तो मैंने इसके साथ लगा दिया था क्योंकि वो ऑलरेडी फॉर्मूला में था, और एक मैंने इसके साथ लगा दिया तो ये भी E nu और E dash हो गया, दोनों तरफ आ गया. ये बन गया E dot E dash upon M naught C square into 1 minus cos theta. अब यहाँ से मैं ना इसको उस साइड भेज दूंगी तो ये बन जाएगा E is equals to E dash plus E dot E dash upon M naught C square 1 minus cos theta. यहाँ तक तो बहुत इजी है, आगे भी बहुत इजी है. अब मुझे ना इधर भी यहाँ दो टर्म्स है, ये टर्म एक ये टर्म, दोनों में E dash कॉमन है तो मैं E dash में कॉमन निकाल लेती हूँ. E dash बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, 1 plus E upon M naught C square 1 minus cos theta. ये टर्म बन गई मेरे पास. अब इसे सॉल्व करना मेरे पास और भी ज्यादा इजी हो जाएगा. मुझे चाहिए थी E dash की वैल्यू ना, तो इसको E dash को मैं इधर रहने देती हूँ. ये E dash के साथ ये जो पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उसको मैं इधर भेज देती हूँ, इधर जाके वो E से क्या हो जाएगी डिवाइड. तो E dash की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी E whole divides 1 plus E upon M naught C square into 1 minus cos theta. तो ये बन गई मेरे पास पूरी टर्म. ये टर्म पता लगी थी ना. अब E dash की वैल्यू चाहिए थी तो E dash मैंने इस साइड रहने दिया और बाकी की जो टर्म थी सारी वो इधर मल्टीप्लाई थी, इधर आके डिवाइड हो गई. सिंपल. अब हम क्या करेंगे, जो हमने कंसिडरेशन ली थी ना, क्योंकि अब क्योंकि डेरिवेशन तो सॉल्व हो गई है तो अब हम वापस से कंसिडरेशन वापस से वैसे की वैसे पुट कर देते हैं. तो E dash को नहीं छेड़ना, बस E की वैल्यू से हम पुट कर लेंगे. E क्या था, H nu. तो H nu upon 1 plus H nu upon M naught C square into 1 minus cos theta. ओके, तो ये मेरी बन गई फाइनल इक्वेशन. समझ लगा, बस E की वैल्यू पुट करी है. अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करने के लिए ये जो पूरी टर्म है ना H nu upon M naught C square, जैसे हर डेरिवेशन में हम करते हैं इसको अल्फा पुट कर देते हैं, तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी E dash is equals to H nu upon 1 plus alpha 1 minus cos theta. So this is the final equation. तो ये E dash क्या था, energy of scattered photon. तो E dash equals to H nu upon 1 plus alpha 1 minus cos theta. ये भी theta पर depend कर रहा है. So basically this is expression of energy of scattered photon. जो Compton effect है उसके through हमें radiations की particle nature के बारे में पता चलता है. जो Compton effect का experimental verification है उसके through we learn the पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस. ओके, तो अब हम बात करेंगे कॉम्प्टन इफेक्ट विद विजिबल लाइट की. हमें पता है कॉम्प्टन शिफ्ट क्या होता है, डेल्टा लैम्डा, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा. इसकी एक और तीसरी वैल्यू थी, क्या थी, एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा. ओके, अब मान लीजिए एक्सरे की बजाय हम विजिबल लाइट यूज करें, बिकॉज वी नो हम पूरे प्रोसेस में एक्सरे यूज करते हैं, लेकिन अब एक्सरे की जगह हम यूज करेंगे विजिबल लाइट. तो मैक्सिमम शिफ्ट क्या होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, हमने पढ़ा था मैक्सिमम हो सकता है 180 डिग्री. तो थीटा वुड बी 180 डिग्री मैक्सिमम शिफ्ट है, ध्यान से सुनिए. तो मैं क्या करूंगी, थीटा की वैल्यू 180 पुट करूंगी. सो डेल्टा लैम्डा
is equals to h upon m naught c 1 minus cos 180 degree. We all know what is cos pi? Minus 1. So delta lambda is equals to h upon m naught c 1 minus minus 1. Okay? So this will comes out to be delta lambda is equals to h upon m naught c 1 plus 1. Ab isko main likh sakti hu puri equation ko, delta lambda is equals to 2h upon m naught c. So this is the expression. Ab main kya karungi, iski values put karti hu. To delta lambda is equals to, ye values kya hai, 2 constant h plus constant m naught mass electron ka all ye c tha on the speed of light, so inki values put kar. So this will become 2 into 6.62 into 10 raised to power minus of 34. Value of Planck's constant, 4 divides 9.1 into 10 raised to power minus of 31 into speed of light, 3 into 10 raised to power 8. So ye maine values put kar di. So delta lambda ko jo main solve karungi, I will get 0.0484 angstrom. So lambda dash minus lambda is equals to 0.0484 angstrom. ये calculation आप खुद कर लेना, बहुत easy है. अब बात करें wavelength की, तो X-ray की जो wavelength है that is 1 angstrom. और visible light, of course range visible light की हमेशा wavelength होती है ज़्यादा, that is why it is visible to us. So this is 6000 angstrom. तो इन दोनों के वेवलेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, but still we are substituting visible light with X-rays. अब देखिए, जैसे हमें पता है कि ये जो इसकी वेवलेंथ है बहुत ज़्यादा है comparative to this. तो ये जो चेंज आया है वेवलेंथ में, ये तो कुछ भी नहीं है इसके सामने. So this is almost negligible, है? जितना ये वेवलेंथ में चेंज आया है, अब ये 6000 angstrom और ये 0.0484 angstrom कुछ भी नहीं है इसके सामने. So this is almost negligible. So, इससे क्या पता चलता है कि Compton effect with the visible light is not possible. We can't observe Compton effect with visible light. क्यों? क्योंकि यहीं से पता चल रहा है, कोई एक process इस X-rays के साथ हो रहा है जिसकी wavelength 1 angstrom है, तो आप उसको इतनी ज़्यादा wavelength वाली light के साथ कैसे कर सकते? No chance. So that is why Compton sketching is not possible with visible light. So, इसी के साथ हमारी derivation खत्म होती है. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछें. चैनल को सब्सक्राइब